हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर और शिमला की सूखी सब्ज़ी यानी कि ड्राई सब्ज़ी। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, मैक्सिमम इसको आपको बनाने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट करके फ्राई कर लिया है, सॉटे कर लिया है। सॉटे करने के बाद उसको आपको एक प्लेट में निकाल लेना है और सेम कढ़ाई में आपको 1 टेबल स्पून ऑयल एंड 1 टेबल स्पून आपको बटर ऐड किया है। बटर के साथ मैंने ऑयल इसलिए ऐड किया ताकि हमारा जो बटर है वो नीचे से जले नहीं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा यानी क्यूमिन सीड ऐड कर दिया है। अच्छे से सॉटे करने के बाद इसमें हम सारी सब्जियाँ ऐड कर देंगे, प्याज, शिमला, टमाटर, हरी मिर्च। आप चाहे तो टमाटर को पीस कर यानी कि उसका प्यूरी बनाकर भी आप ऐड कर सकते हैं, बट ऐसे डालेंगे, चॉप करके तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। सारी सब्जियों को डालने के बाद उसको अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। आपको इस रेसिपी में सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना है, 80-90% आपको कुक करना है। सारी सब्जियों को डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, जो है आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। देन इसमें आपको 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करना है। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इन सबको डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक करके हम कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद इस सब्जी में हम डालेंगे अपना पनीर, जो हमने पनीर को भी सॉटे किया था, फ्राई किया था। पनीर ऐड कर देंगे इसमें हम। देन इसके बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे एंड देन किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। किचन किंग मसाला के प्लेस पे आप यहाँ पे गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बहुत ही कम मसाले में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में टेस्टी से रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। आप इसको चपाती के साथ, रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ, घर पे गेस्ट आ रहे हैं या फिर लंच में, डिनर में आप बना सकते हैं। बहुत ईजी बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना एंड देन मुझे कॉमेंट करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब अच्छे से हम मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे, हमारी जो सब्जी है वो रेडी हो जाएगी। आप इसमें कलर के लिए रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर अवॉइड किया है। आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, ये आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।